हेलो सिनेफाइल्स, तुम्बाड री रिलीज हो गई है और इसने दो दिन में 4.30 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। इसने अपने डे वन से 1.65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और डे टू से तुम्बाड री रिलीज ने 2.65 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया है। आप सोच कर देखो, तुम्बाड जब 2018 में रिलीज हुई थी उस टाइम पर इस मूवी ने 10 करोड़ का ही कलेक्शन किया था और तुम्बाड री रिलीज ने अपने पहले दो दिन में ही 4.30 करोड़ कमा लिए। इट्स लाइक मेरे देश के लोग आज कंटेंट देखना प्रीफर कर रहे हैं और फाइनली इस मूवी को वो मिल रहा है जिसकी ये हकदार है, थिएटर्स में ऑडियंस। और आज संडे है, डेफिनेटली मूवी का कलेक्शन पहले दो दिन से ज्यादा ही होगा। तुम्बाड री रिलीज के बाद अब सबके मन में यही ख्याल है कि तुम्बाड 2 कब आएगी। देखो, तुम्बाड 2 कब आएगी ये तो नहीं पता, पर सोम शाह ने ये कंफर्म कर दिया है तुम्बाड 2 की स्टोरी फाइनल हो चुकी है। मेकर्स को 6 साल लगे स्टोरी क्रैक करने में। एक तो तुम्बाड के साथ ये 6 साल बहुत जुड़े हुए हैं। मूवी को बनने में 6 साल लगे, अब ऑलमोस्ट 6 साल बाद मूवी री रिलीज हुई है और मेकर्स को तुम्बाड 2 की स्टोरी क्रैक करने में भी 6 साल लगे। अब कहीं 6 साल बाद ना आए तुम्बाड 2, इतना टाइम तो मत लेना मेकर्स इस बार। सोम शाह ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि 2025 से मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब शूटिंग कितनी लंबी चलेगी ये नहीं पता, 6 साल लंबी ना चले बस, थोड़ा जल्दी आ जाए ये मूवी तो हम फैंस के लिए ही सही रहेगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा कि तुम्बाड 2 की स्टोरी में क्या होगा, ये भी सोम शाह ने कंफर्म कर दिया है। तुम्बाड 2 बेसिकली विनायक राव के बेटे पांडुरंग की स्टोरी होगी और तुम्बाड 2 की स्टोरी इमोर्टेलिटी के अराउंड होगी। जहां तुम्बाड की टाइमलाइन थी 1918 से 1947 तक, वही तुम्बाड 2 की टाइमलाइन होगी 1951 से 1970 तक। तो तुम्बाड 2 में हमें टाइम जंप भी मिलेगा देखने को। अब आते हैं इमोर्टेलिटी पर। तुम्बाड का कोर क्या है? लालच। मूवी में सरकार लालची था, विनायक राव उससे भी बड़ा लालची था और उसका बेटा पांडुरंग उससे भी बड़ा लालची निकला। तो तुम्बाड में हर जेनरेशन के साथ लालच इंक्रीज ही हुआ है। पर अगर तुम्बाड की एंडिंग देखे तो विनायक राव को अस्त्र छू लेता है जिससे उसको श्राप लग जाता है। फिर विनायक पांडुरंग को सोने की मुद्रा देने लगता है, पर उस टाइम पर पांडुरंग मुद्रा नहीं लेता। तो यहाँ पर एक सर्कल कंप्लीट हुआ है कि फाइनली अब इनके जेनरेशन में कोई तो ऐसा निकला जिसमें एटलीस्ट सोने का लालच तो नहीं रहा। पर लालच सिर्फ सोने का तो नहीं था ना, सरकार के पास सोना था पर उसमें वासनाएं बहुत थी। विनायक को सोने का लालच था और पांडुरंग को भी, पर पांडुरंग एंड में सोना लेने से मना कर देता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं पांडुरंग में लालच बिल्कुल ही खत्म हो गया हो, नहीं ना। सोहम शाह ने भी टीआरएस हिंदी में यही कहा था कि तुम्बाड का कोर ही लालच है और तुम्बाड 2 में इस बार सोने का लालच नहीं होगा, तो किसका होगा? हाँ सही गेस किया आपने, वो लालच है इमोर्टेलिटी का। तुम्बाड मूवी की स्टार्टिंग में विनायक पांडुरंग को अस्तर की कहानी सुनाता है कि ऐसा कोई देव जो तुझे छुए और तू अमर हो जाए, तू हजारों साल जिए और तेरे सिर्फ दो ही काम हो, सोना और खाना, तू ऐसा चाहेगा? पांडुरंग कहता है ऐसा कौन नहीं चाहेगा बाबा। विनायक कहता है जिसको पता हो कि मौत से भी बढ़कर शराफ है। देखो ये शराफ तो था पर इसके साथ में इंसान अमर जरूर बन जाता है और दादी को भी हस्तर नहीं छुआ था जिसकी वजह से उसको शराफ मिला था। तुम्बाड के एंड में विनायक भी शराफित हो गया था। अब एक थ्योरी है मेरी, व्हाट इफ इस शराफ का कोई क्योर हो। हाँ सही सुना आपने, हस्तर किसी इंसान को छुए वो इमोर्टल जरूर बने पर उसकी हालत दादी जैसी ना हो। अब आप सोच कर देखो, बिना शराफ के इमोर्टल इंसान कितना कैपेबल हो सकता है? फिर वो जितना चाहे सिक्के उठाए हस्तर से, हस्तर के छूने का कोई डर ही नहीं रहेगा और ना कोई बीमारी होगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। पर हस्तर अभी भी वाड़े में कह दे जिस पर अब इंडियन गवर्नमेंट का कब्जा है, तो हस्तर तक पहुंचना पांडुरंग के लिए इजी तो नहीं होगा। तो मे भी तुम्बाड 2 में ऐसा कुछ हो सकता है। देन अगेन ये बस एक थ्योरी ही है, अब जब तुम्बाड 2 आएगी तभी पता चलेगा कि क्या होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जोरो भाई, हस्तर 6 साल बाद आएगा क्या?